हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल गेट 2020 मैकेनिकल। फ्रेंड्स, हम लोग एक नया कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम लोग गेट 2020 मैकेनिकल पूरा सिलेबस करेंगे, डिटेल सिलेबस करेंगे। फ्रेंड्स, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स होगा, डिटेल्ड कोर्स होगा, जिसमें मैं आपको थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल्स तक सब कुछ कवर कराऊंगा। बेसिक लेवल के क्वेश्चन से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक सब कुछ कवर किया जाएगा इस कोर्स में, और कराएगा कौन? अनुज मित्तल, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स गेट 2020। 3 आवर्स का टाइम हमारे पास होगा, 3 आवर्स का टाइम जिसमें हमें 65 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। देखिए, जो गेट एग्जाम कंडक्ट करती है, 7 IIT IISc बेंगलोर के साथ मिलकर ये एग्जाम कंडक्ट करती है, मतलब हर IIT को 8 साल में एक बार चांस मिलता है गेट एग्जाम को कंडक्ट करने में। इस बार गेट 2020 का जो पेपर कंडक्ट कर रही है, IIT दिल्ली कंडक्ट करवा रही है। IIT दिल्ली के थ्रू गेट 2020 मैकेनिकल पेपर कंडक्ट होगा। पेपर में देखिए, जो सिलेबस है, जो हमारे 65 क्वेश्चंस है, वो कहां से पूछे जाएंगे। सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में हमसे पूछा जाएगा टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और एक पार्ट में हमसे जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। जो टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, उसके टोटल 55 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जो कि 85 मार्क्स के होंगे, 55 क्वेश्चन 85 मार्क्स। और जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड में हमसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड में बेसिकली आपका एप्टीट्यूड लेवल और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। जो ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में इंग्लिश के आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, और उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा रहता है बिल्कुल जिसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बेसिक लेवल। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूँ तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग पूछ ली जाएगी। प्रिंसिपल, दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं, एक जो स्कूल में पढ़ाता है हेडमास्टर प्रिंसिपल, वो होता है, और एक लो वाला, नियम वाला प्रिंसिपल। तो एक की स्पेलिंग क्या होती है? प्रिंसिपल, ये जो स्कूल का हेडमास्टर होता है, और एक प्रिंसिपल कैसा होता है? जो लो वाला प्रिंसिपल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन बिल्कुल ही लो लेवल का, तो इंग्लिश का एक क्वेश्चन वहां से। जो एप्टीट्यूड के 2 क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड के जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही सोल्व हो जाएंगे। और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं ना एप्टीट्यूड के, उसके लिए आपको जैसे टाइम वर्क से क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लॉक से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, एप्टीट्यूड पढ़ के जाना होगा, तो वहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है जो टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगा, एक अलग से वीडियो बताऊँगा जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊँगा कि मैं किस तरह इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट कराऊँगा। इस वीडियो में बात करते हैं ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल, इसे कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, किस तरह से कंप्लीट कोर्स हम लोग, जो हमारे पास अवेलेबल टाइम है 4 मंथ का हमारे पास अवेलेबल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 4 मंथ का हमारे पास टाइम रहेगा। एग्ज़ाम डेट हमारी आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट 1 फरवरी 2 फरवरी 8 फरवरी और 9 फरवरी, ये 4 डेट आ चुकी है। और जो हमारा मैकेनिकल का एग्ज़ाम है वो 1 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। अगर कुछ चेंजेस होते हैं, हल्का फुल्का कुछ भी चेंज हुआ, तो 2 फरवरी, वरना 1 फरवरी को मैकेनिकल का एग्ज़ाम हो जाएगा। जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 तरह के क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक क्लिक करना होगा, और एक पूछा जाएगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपके सामने एक न्यूमेरिकल होगा, उसे सोल्व करना है, उसकी एक वैल्यू निकालनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसे वर्चुअल कीबोर्ड की हेल्प से आपको इंसर्ट करना होगा, आपको वर्चुअल कीबोर्ड की हेल्प से आपको आंसर टिक करना होगा, आपको आंसर भरना होगा फिल इन द ब्लैंक्स में। जो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपकी 2/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनमें किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, टेक्निकल का सिलेबस जो हमारे गेट में मैकेनिकल में डाला गया, उससे मैं आपको किस तरह कराऊंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा टेक्निकल सेक्शन है, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टेक्निकल सेक्शन, जो फर्स्ट पार्ट रहेगा अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन, जिसमें हमसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स,
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन और मशीन डिज़ाइन, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो वाइब्रेशन होता है वो थ्योरी ऑफ मशीन के अंडर ही आता है, लेकिन गेट एग्जाम में जो हमारा सिलेबस है उसमें थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन उसको अलग अलग रखा गया है। सेकेंड पार्ट जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल साइंस, जिसमें हमसे फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स और इनकी बेसिक एप्लीकेशंस, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। और जो हमारा थर्ड सेक्शन रहेगा वो हमारा मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसमें हमसे मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन के टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग के जैसे कास्टिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हमसे इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेशन रिसर्च में हमसे सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, पर्ट एंड CPM, QV मॉडल, ये सारे टॉपिक्स हमसे पूछे जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट होगा, सबसे पहले ये जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन इसे हम लोग टारगेट करेंगे, और इस सेक्शन में हम लोग सबसे पहले हिट करेंगे थर्मल साइंस को। तो मैं आपको सबसे पहले ये पूरा का पूरा थर्मल साइंस आपको कंप्लीट कराऊंगा। अब देखिए हमें थर्मल साइंस में क्या क्या पढ़ना है और मैं किस तरह से आपको ये थर्मल साइंस कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो थर्मल साइंस है, थर्मल साइंस बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स और एक पार्ट में है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। गेट में जो थर्मल साइंस की वेटेज रहती है, गेट में थर्मल साइंस की वेटेज 16 से 20 मार्क्स का रहता ही रहता है। थर्मल साइंस इतने मार्क्स का पूछा ही जाएगा। थर्मल साइंस एक पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स, एक पार्ट में अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक फंडे, बेसिक लॉ को समझेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को समझा जाएगा। और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर जो हमने कंसेप्ट को सीखा है, जो भी कंसेप्ट समझे हैं, जो भी फंडे हमने समझे हैं, उन्हें प्रैक्टिकली पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, उनके प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस देखेंगे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में। जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम देखेंगे कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, आप जब भी जो भी सब्जेक्ट आप तैयार करें, सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखनी है, उस सब्जेक्ट की पूरी प्रॉपर एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन देखनी है। एग्ज़ाम में जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है उसमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन जब आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करके इंटरव्यू की स्टेज में पहुंचोगे तो वहां पर आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। और फिर आप जैसे ही बोलते हो कि चलो मेरा जो मैंने अच्छे से पढ़ा है, मेरा थर्मोडायनेमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो सीधा आगे से क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, आपसे सब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछता है। तो आपको एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बड़े लोग पूछ रहे हैं, बड़े हाई फाई एजुकेटेड लोग पूछ रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन सब्जेक्ट की होनी चाहिए। जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर की एक साइंस है। ये वो साइंस है जिसमें हम लोग एनर्जी का ट्रांसफ़र पढ़ते हैं, और उस एनर्जी के ट्रांसफ़र की वजह से सिस्टम पर, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रेशर कम होगा, ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम या ज़्यादा, वॉल्यूम कम या ज़्यादा, क्या होगी, ये सब चीज़ें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। क्या है, बेसिकली साइंस है एनर्जी ट्रांसफ़र की, और उसकी वजह से सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ा, दैट इज़ द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, क्या होता है बाउंड्री, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है, ये सब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर लूँगा, इंट्रोडक्शन में मैं सब बताऊँगा उसमें कि कितने तरह के सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कितनी तरह की होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, स्टेट क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, साइकिल क्या है, किसे हम लोग क्वासिस्टेटिक प्रोसेस कहेंगे, किसे रिवर्सिबल, किसे इरिवर्सिबल, ये सब हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, किसी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ क्या है, किसी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ क्या है। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी बेसिकली दो स्टेटमेंट होती है, क्या है वो दो स्टेटमेंट,
केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है, क्लोसियस स्टेटमेंट क्या है, ये सब देखेंगे डिटेल में। एंट्रोपी जनरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है, एंट्रोपी जनरेशन क्या है, क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं, अनअवेलेबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जिसके ऊपर आपकी पूरी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है, प्योर सब्सटेंस जिस पर पूरी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है उसे हम लोग देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स के HS कर्व, PV, PT ये सब कर्व, अलग अलग तरह के मोलियर डायग्राम, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स में जो बेसिक फंडे सीखे हैं, जो लॉ सीखे हैं, उन्हें हम अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में उसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वेपर पावर साइकिल, जो बेसिकली रैंकाइन साइकिल, वेपर पावर साइकिल, रैंकाइन साइकिल। हम लोग देखेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट, ब्रिटेन साइकिल। हम लोग इसमें IC इंजन के बारे में पढ़ेंगे, IC इंजन, जो इंजन है, इंजन क्या काम होता है, इंजन का, इंजन का बेसिकली काम होता है एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में, एनर्जी की एक फॉर्म को एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंजन बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल कंबशन, इंटरनल कंबशन इंजन। तो हमारे सिलेबस में इंटरनल कंबशन इंजन है, IC इंजन, उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, साइक्रोमेट्री हम लोग देखेंगे, साइक्रोमेट्री के अलग अलग प्रोसेस देखेंगे। हम लोग देखेंगे कंप्रेशर, एयर कंप्रेशर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्रेशर्स, उनकी वर्किंग प्रिंसिपल सब हम देखेंगे। तो ये हम लोग करेंगे फ्रेंड्स थर्मल साइंस में। थर्मल साइंस वेटेज रहेगी 16 से 20 नंबर की, जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको कंप्लीट फंडे बताऊंगा, जितने भी आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए वो सभी फंडे मैं आपको बताऊंगा। 16 से 20 मार्क्स की इसकी वेटेज रहेगी। जब हम थर्मल साइंस को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, हीट एंड मास ट्रांसफर HMT पढ़ेंगे। और उसके बाद जब हम HMT को कंप्लीट करेंगे देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी। और जब हमारा ये फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो हमारा सेकंड सेक्शन था पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट में हम लोग मटेरियल्स प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टार्ट करके पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। बहुत जल्द फर्स्ट वीडियो आ रही है थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इतना ही अब तक के लिए, थैंक यू।